हिजाब के बारे में बात करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत जिस हिसाब से बेहद गर्म नजर आ रही है उसमें हिजाब विवाद भी एक अहम स्थान रख रहा है। यूपी के सियासी रण में हिजाब विवाद को लेकर एक बड़ी खबर है। हिजाब पर ओवैसी का नया जुमला, हिजाब पहनने से दिमाग खुल जाता है, सामने आया है। ओवैसी हिजाब विवाद पर अखिलेश की चुप्पी पर भड़के हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश के लोगों के दिमाग को बीमार बना दिया है और ध्रुवीकरण तुष्टिकरण की राजनीति ने इस बीमारी को और ज्यादा ही सड़ा दिया है। और यूपी चुनाव में अपनी पतंग उड़ाने आई लैला मुस्लिमों के सामने इस विवाद को मिर्च मसाला लगाकर पेश कर रही है ताकि मुस्लिमों का वोट बटे, मुस्लिम डरे और उसके पाले में चले जाए। जहां मिलता है हमें ज्ञान, उस मंदिर को भी वोट के ठेकेदारों ने नहीं छोड़ा। और जब चुनाव हो और भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी जैसा रहनुमा और पैरोकार हो तो भला राजनीति कैसे ना हो। अब भड़काऊ भाईजान ने सिर पर टोपी और हिजाब पहनने से दिमाग खुलने का दावा किया है। हिजाब विवाद अब अहम की लड़ाई बन गई है। मामला कोर्ट में है लेकिन यूपी में तो वोट है, इसलिए ओवैसी इसे मुद्दा बनाए बैठे हैं। लेकिन अब ओवैसी और हिजाब विवाद का खिलाफ बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है और यूपी के सीएम योगी बाबा ने भी दो टुक कह दिया है कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं, और समय आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून भी बनेगा। जब अवसर आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, लेकिन फिलहाल संविधान से देश चल रहा है और संविधान से ही चलेगा सभी। आपके नड्डा और मोदी जी के रैली में तो आप ही तो बुरखा पहना कर लाकर बिठाते हैं, तालिबानियों को बिठाते हैं क्या आप बताइए? और मोदी जी कह रहे हैं कि हमको तो वोट मिला पहले चरण दूसरे चरण मुस्लिम महिलाओं का, तो वो क्या पहनी हुई थी? वो ऐसे जितने हमलावर बीजेपी पर नहीं है उससे ज्यादा तीखे सवाल अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। हिजाब विवाद पर बबुआ के खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं। इस सवाल का एक ही जवाब है कि वो ऐसे इस मुद्दे को यूपी चुनाव में जिंदा रखकर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में सेधमारी की कोशिश में जुटे हैं ताकि यूपी में AIMIM की पतंग उड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।